सर पहला पार्ट आपने हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन वो सारा डिटेल में किया, उसके बाद इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग वगैरह भी किया आपने, एप्लीकेशंस भी किए हैं, ये ज्यादातर सिलेबस में नहीं है, तो बिगनिंग वाला पार्ट ही है, तो फिर भी आपने किया है आपके काम आएगा, तो आई वॉज प्लानिंग की थोड़ा आगे और करवा दूं, तो अब आपके वो सिलेबस में से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर एंड द फ्लूइड्स बेटा। हाँ जी बेटे, आपका इलास्टिसिटी के कंसेप्ट की जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने मेंशन नहीं की हुई है आपके सिलेबस में, देन वहां उन्होंने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हुक्स लॉ तक की दिया हुआ है सारा, स्ट्रेन और स्ट्रेस हुक्स लॉ, बस इतने तीन वर्ड लिखे हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, राइट। आप काफी ज्यादा कर चुके हो, आप दैट्स रियली गुड फॉर यू। अब हम बेटे डायरेक्टली फ्लूइड्स वाला जो हमारा कंसेप्ट है, फ्लूइड्स को स्टडी करने वाले हैं, फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड्स कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। बेटा फ्लूइड कलेक्टिवली स्पीकिंग आप लिक्विड और गैस दोनों को, आप मे बी लिक्विड मे बी गैस, इनको कलेक्टिव नेम फ्लूइड दे दिया गया है, लेकिन निधि फ्लूइड जो है हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को कह सकते हैं जो बेटे अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड प्रेशर या फोर्स लाइक ए विस्कस लिक्विड फ्लो करने लग जाए। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, कई लिक्विड्स आपके पास कम डेंसिटी वाले हैं जैसे पानी है, और इवन डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स हैं, और साथ ही साथ हमारे पास बेटे कुछ लिक्विड्स ऐसे भी हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इस सिचुएशन में आपका कोई भी लिक्विड कोई भी गैस हो, आप उस पर अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर वो अप्लाइड प्रेशर की वजह से लाई के लिक्विड और लाई के गैस और इन जनरल लाई के फ्लूइड मूव करने लग जाए, उस मटेरियल को हम बेटा फ्लूइड कह देते हैं। सो कोई भी मटेरियल विच फ्लोज अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बेटा फ्लूइड। सो वी मे डिफाइन दैट फ्लूइड्स, अदरवाइज बेटा इट इज द नेम गिवन टू द गैसेस एंड लिक्विड्स कलेक्टिवली। आप लिक्विड हो या गैस हो, इनका कलेक्टिव नाम आपने फ्लूइड्स रखा हुआ है। सो एनी मटेरियल विच starts flowing like a viscous liquid under the applied pressure is called fluid। अब बेटे विस्कस लिक्विड का क्या मतलब है, इसमें एक नई टर्म आ गई है, ये देखिए विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड का मतलब है कि जिस लिक्विड की विस्कोसिटी काफी ज्यादा है, तो अब विस्कोसिटी एक स्टिल ऑल टुगेदर नई टर्म है। विस्कोसिटी आप लिक्विड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन को बोलते हो। आप अगर इमेजिन कर लें कि आपका लिक्विड डिफरेंट 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 लेयर्स का बना हुआ है, एक लेयर जब दूसरी लेयर के विद रिस्पेक्ट टू मूव करेगी तो दोनों में फ्रिक्शन होगा। जो लेयर मूव कर रही है वो रेस्ट वाली लेयर को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगी, जो लेयर रेस्ट पे है वो मूव करने वाली लेयर को रोकेगी। इस दोनों टाइप के बेटा, एक रेस्ट पे है एक मोशन में है, इन दोनों के इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से फ्रिक्शन दोनों लेयर्स में डेवलप होता है। आई जस्ट मीन टू से दैट कि मान लीजिए एक लिक्विड का लेयर ये है, ये रेस्ट पे है, और एक लिक्विड का लेयर आपका ये वाला है, और ये आपका लिक्विड का लेयर मूव कर रहा है। इस लेयर की कोशिश रहेगी कि ये इसके मूवमेंट को रोके, इसकी कोशिश रहेगी कि ये इस लिक्विड की लेयर को अपने साथ आगे लेकर चली जाए। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो फ्रिक्शन आपकी जो है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, या विस्कोसिटी का कंसेप्ट इसी फ्लूइड फ्रिक्शन के साथ आपका लिंक्ड है बेटा।
अब बेटे एक छोटी सी और टर्म आती है, आपका जो लिक्विड एट रेस्ट है उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, या फ्लूइड एट रेस्ट जो है, लिक्विड की स्पेशली बात करूंगा मैं, लिक्विड एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट बेटे, लिक्विड है रेस्ट पे पड़ा है, इक्विलिब्रियम ही होगा, इसमें क्या डिस्कस करने वाली बात, इसमें कौन सी चीज आ गई फिजिक्स में, है ना बेटा। तो आइए थोड़ा देखें अप्लाई करके कि शायद कोई चीज हमें देखने वाली इसमें मिल जाए। एक आपने कंटेनर इमेजिन किया, आप घर पे हैं, आपने इसमें पानी रखा हुआ है, इमेजिन कर लीजिए, और ये बिल्कुल स्टिल वाटर है, किसी कंटेनर में पड़ा है पानी, और आपने मे भी इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसमें सबमर्ज्ड पड़ा है, कोई छोटा मोटा पार्टिकल, कई बार हम कोई चीज इसमें डिप करके रखते हैं, मे बी ईटेबल्स मे बी अदरवाइज। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये सारी डायरेक्शंस में से इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और इमेजिन कर लीजिए नेट फोर्स इस पे जो एक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्ट पे बेटा, ये फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है दिस वे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ये फोर्स आपकी इस तरफ एक्ट करेगी। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी तो होगा ना बेटा, तो ये रिएक्शनल फोर्स है आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ कॉस ऑफ एंगल थीटा, इस तरफ आपके पास आ जाएगा एफ साइन ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट है ये आपका, आपका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट जो है अगर आप इसको देखो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए बेटे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, बट बिकॉज आपका लिक्विड तो रेस्ट पे है बेटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देर इज नो क्वेश्चन ऑफ द मूवमेंट ऑफ यूर पार्टिकल एज सच, और अगर ऐसा है देन बेटे आपका ये वाला कंपोनेंट जो है इट मस्ट बी जीरो। अगर आपका लिक्विड रेस्ट पे है, लिक्विड का मॉलिक्यूल तो मूव किया ही नहीं है, अगर आपका फोर्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तब तो वो आपके पार्टिकल को साथ लेके चला जाएगा। अब क्योंकि पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा लिक्विड का, इट विल मीन दैट कि ये वाला कंपोनेंट फोर्स का जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल के अलोंग मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जीरो। और अगर ये जीरो है तो आपका बच्चों एफ तो जीरो नहीं है, एफ थोड़ी जीरो है, मॉलिक्यूल तो स्ट्राइक कर रहे थे, इट विल मीन दैट कॉस ऑफ एंगल थीटा जीरो हुआ, और आपका थीटा जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, इट विल मीन दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट बेटा, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके लिक्विड के, ये परपेंडिकुलरली एक फोर्स जो है बेटा ये एक्सपीरियंस करते हैं, और इन पर जो फोर्स है बेटा परपेंडिकुलर टू द सर्फिस जो है ये आपका हमेशा लगेगा, प्रोवाइडेड आपका जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लूइड है या लिक्विड है इट मस्ट बी एट द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। तो ये एक दो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप इनको जरूर बेटा नोट कर लीजिएगा। सो बाकी फिर बेटे हम इसके बाद आगे चलते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट का मतलब यही है कि आपका लिक्विड मूवमेंट में नहीं है, लिक्विड रेस्ट पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसका थीटा का 90 आ जाना इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो फोर्स है ये बेटे परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, बाकी कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। जिस भी प्लेस पे आपका लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे आपके मॉलिक्यूल पर, आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लग रही है, राइट बेटा। अगर लिक्विड आपका जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे नहीं होता, मोशन नहीं होता, तब आपका ये नॉन जीरो हो जाना था। अब क्योंकि रेस्ट पे है तो इट मस्ट बी जीरो, लेकिन एक मॉलिक्यूल पे जब दूसरा मॉलिक्यूल आकर स्ट्राइक करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर ले, मॉलिक्यूल्स को हम जनरली बेटा हार्ड स्फीयर्स इमेजिन कर लेते हैं, तो इनका आपस में कोलिजन होगा,
मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी इसे ट्राई करेंगे, तो फोर्स आपका जीरो नहीं है किसी भी केस में। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमने माना यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है इस वे में, और एज ए रिएक्शनल फोर्स ये आर आपका रिएक्शन आ गया इसका उस अप्लाइड फोर्स के एक्शन की अपोजिशन में, और रिएक्शन आपका तो इसके बराबर ही होगा, एक्शन के बराबर ही होगा, और इसको हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बच्चों स्प्लिट किया, इसके बारे में हमने बात नहीं की क्योंकि आपका लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है। इसका मतलब है कोई भी पार्टिकल आप ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे इमेजिन कर लें, हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो वो मूव नहीं कर रहा है, राइट बेटा? और आप अच्छे से जानते हैं मूवमेंट के लिए फोर्स का होना जरूरी है, अब मूवमेंट नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो यही फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन आपका बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड रिएक्शनल फोर्स तो जीरो है नहीं है, इट विल मीन दैट कि थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, थीटा शुड बी 90। आपके जब भी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे पार्टिकल्स की बात आएगी सारे केसेस में आपका जो फोर्स है नेट दैट विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और नॉर्मली एक्ट करेगा, इतनी बात अपने माइंड में रखिएगा बेटे, राइट बेटा? हाँ जी बताओ बेटे बताओ, शाबाश। हाँ नहीं नहीं सिंपल केस है, आगे चलेंगे, अभी तो ये बिगनिंग है। इसके बाद बेटे हमारे पास एक सिंपल सा और आइडिया है कि आपके लिक्विड जो हैं वो कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है। सो आइए देखें बेटे कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स अपॉन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड्स और द लिक्विड्स। बेटा प्रेशर पहले देख लीजिए क्या होता है, प्रेशर को आप टर्म को अदरवाइज काफी यूज करते हैं। इस प्रेशर की टर्म में बेटा आपका जो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड प्रेशर बेटा। सो बेटा प्रेशर जो पी है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आपका न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, इट विल बी न्यूटन मीटर माइनस टू बेटा, इट विल बी देयर। और अब बात आ जाती है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम की, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। इसमें हम बेटे एक सिंपल बीकर इमेजिन कर लेते हैं, कंटेनर इमेजिन कर लेते हैं, एंड लेट इट बी द कंटेनर। इस कंटेनर में आपने लिक्विड वाटर इमेजिन कर लीजिए एस सच रखा हुआ है, पानी है इसमें, और इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर आपने कोई भी और ऑब्जेक्ट जो है वो सस्पेंड नहीं कर रखा, आपने इसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर लिया। ये इसकी डायमेंशंस हैं, इमेजिन कर लीजिए आप, नो डाउट इसको बीकर को पानी से फिल किए हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन वाले लिक्विड के इमेजिनरी सिलेंडर तक अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं, आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, उसका इतने कॉलम का प्रेशर आप देखना चाहते हैं कितना होगा। अब इसकी हाइट आप h इमेजिन कर लीजिए कि इसकी हाइट h के बराबर है इस सिलेंड्रिकल इमेजिनरी लिक्विड कॉलम की। इस सिलेंड्रिकल इमेजिनरी लिक्विड कॉलम में पानी तो होगा ना, खाली तो नहीं है, ये पानी है ना ये बेटा, और इसका पानी का कुछ वेट भी होना चाहिए, पानी बिना वेट के तो होगा नहीं, मास भी है वेट भी है, तो अगर मैं इसका वेट मार्क कर दूं ऐसे m इंटू जी के बराबर तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। और
इसका बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है लेट इट बी ए, और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही रहेगा, लोअर एंड अपर फेसेस ऑफ द सिलेंडर इनका एरिया बराबर ही होता है। और अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इसके सरफेस के ऊपर इतना पानी का लेयर है, तो ये लेयर की वजह से इस पे प्रेशर कुछ लगेगा, P1 के बराबर प्रेशर लिक्विड जो फ्री स्टेट में इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, और ये बिल्कुल एंड में भी नहीं है, तो लोअर फेस में भी प्रेशर लगेगा, बट इट विल बी अदर देन दैट एट द अपर एंड। अगर बच्चों प्रेशर है तो फोर्स भी होना जरूरी है, बिकॉज आप यहां से देख सकते हैं फोर्स आपका प्रेशर इनटू एरिया के बराबर प्रोडक्ट के बराबर है। इट विल मीन दैट अगर फोर्स की बात करें तो इट विल बी एफ वन एंड इट विल बी एफ टू, बट इनका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। अब आपका ये वाला कंटेनर जो है इट इज अंडर द इक्विलिब्रियम पड़ा है, ये आपका लिक्विड अगर मूव नहीं कर रहा है तो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देख के बताइएगा कि क्या मैं F1 प्लस mg को F2 के बराबर लिख दूं अगर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बेटा, ठीक है सारा, ये इट विल वर्क है ना बेटा, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत है। तो अब आप इसमें इनकी जो सिंपली वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको प्रेशर डिफरेंस दोनों अपर एंड लोअर फेसेस में मिल जाएगा, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पे वो प्रेशर जो है डिपेंडेंट है। आइए देखें, पी एफ वन को डियर चिल्ड्रन इट कैन बी रिटन एज पी वन इंटू ए, इसको उठा लिया डायरेक्टली हमने, राइट। और मास वंश एंड वैभव, वैभव अच्छा उल्टा बोल जाता हूं मैं, आप बोलिए बेटा, मास किसके बराबर होगा ये आपके लिक्विड कॉलम का, हाँ जी आप बोलिए ना, नाम चलता रहेगा आप, इसका मास बोलिए किसके बराबर है, दिस इज नॉट फेयर। मास आपका बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर होता है, आप जानते हैं अच्छे से। और अंजलि बेटी इसका वॉल्यूम कितना होगा, बहुत बढ़िया वेरी नाइस मैथमेटिकल वेल कैलकुलेटेड वेल प्लेस्ड आंसर, आप बताइए वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, क्यूब हो गया अब स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड़िया, आप बताओ इसका वॉल्यूम, एक मिनट बच्चों एक मिनट पुत्र एक मिनट रुक तो जाइए, लेट हर ट्राई, आप सब ठीक कह रहे हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन हमें वो फॉर्मूला की टर्म्स में नहीं चाहिए, कोई और चीज बताइए। यस एरिया कितना है, एरिया ए के बराबर है, हाइट कितनी है, दैट सिंपल, वाई टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, एरिया इनटू हाइट एच, ये आपका बन गया वॉल्यूम, वंश डेंसिटी कितनी ले लिक्विड की, अरे रो लिख देते हैं, जी एस सच आ गया, और एफ टू बच्चों किसके बराबर है, पी टू इंटू ए, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं, सीधी सीधी बातें करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम करते ही नहीं है। तो आपका ए देखिए कैंसल आउट हो गया, इस पी वन को उस तरफ ले जाइए, आपके पास बच गया एच रो जी पी टू माइनस पी वन के बराबर, ऐसा है पुत्र जी, तो आपके पास दोनों एंड्स पे P2 और P1 प्रेशर्स का जो फर्क है H into rho into G के बराबर आ गया, दिस इज द प्रेशर नेट प्रेशर रादर एग्जर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम, जितना टॉप पे प्रेशर है बॉटम पर प्रेशर उससे ज्यादा है। अच्छा ये बताएंगे ज्यादा क्यों हो गया भाई, हाइट बढ़ गई है, ये यहां तक लिक्विड कॉलम की हाइट इतनी है, यहां तक इतनी है, तो इन दोनों का फर्क आपका एच के बराबर आ रहा था, तो दैट्स वाई आपका लिक्विड कॉलम जो है इनके अपर और लोअर फेसेस के जो प्रेशर्स का डिफरेंस है इसके बराबर आएगा, और यहाँ पे
नोटिस करने वाली बात, आपका जो ये प्रेशर डिफरेंस है बच्चों, ये डायरेक्टली हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करा, पहली बात। सेकेंडली ये डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंडेंट है, और तीसरी बात ये आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंडेंट है। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा और इनके बारे में सोचते रहते हैं। अब जैसे भी आपको फ्री टाइम मिले, इस रिलेशनशिप को अपने माइंड में ले आइए, इस पिक्चर को ले आइए, और जब आप फ्री हैं तो इसके बारे में सोचिए कि इसको ये कर दें, वो कर दें तो क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई चेंज करें, कोई चीज मिक्स कर दें तो क्या होगा। तो ऐसे चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करते रहिए। राइट वैभव, इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है बेटे पास्कल्स लॉ का। आपने कहीं 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ये, अगर थोड़ा सा बता दो आप मुझे डेफिनेशन वगैरह तो आई विल फील वेरी हैप्पी। पास्कल्स लॉ का थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो। वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। कोई बच्चा मॉडिफाई थोड़ा बहुत करना चाहे इसको? हाँ जी यस यस। प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। ऐसा ही है, क्या कहते हो बच्चों? निधि कुछ कहना चाह रही है? हाँ बोलो बेटा, बता देना चाहिए बेटे। पास्कल्स लॉ। So, आइए बच्चों देखें पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है। स्टेटमेंट पार्ट पहले लिख लें, फिर इसके साथ कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं स्टार्ट। पास्कल्स लॉ जो है बेटा, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड एट एनी एंड ऑफ द लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। ये क्या लिख दिया, क्या मतलब है इसका, ये जरा समझें बेटे इसके बारे में। एक आप स्फेरिकल वेसल कुछ इस तरीके का इमेजिन कर लीजिएगा। ये लेट मी ड्रॉ द, आप मत ड्रॉ करिए अभी, एक मिनट रुक जाइएगा जरा। आई हैव टू चेंज द डायग्राम फर्दर, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये एक स्फीयर हमने बनाया, इस पे हमने एक पिस्टन लगा दिया इस तरफ। पिस्टन का मतलब तो समझते हो ना कि नहीं समझते बेटा? अरे पिस्टन का मतलब समझते हैं? हाँ जी यस के नो? अच्छा यस गुड। तो ये हमने एक नील गया चार लगा दिए, ठीक है जी। ये आपके पिस्टन हमने अरेंज किए कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग बनाया हर एक का, एक कम है एक ज्यादा है, और इनका सबका अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें कोई हमने लिक्विड फिल कर दिया ये, राइट बेटा। और यहां पे हमने एक ये पिस्टन अटैच भी कर दिया, समथिंग लाइक दिस। आपने ये 9th में किया था एक्टिविटी, देखा था, समझा था, सोचा था ना कि नहीं? आई थिंक मैं करवाया था आपको, मैंने, मुझे थोड़ा याद है। मैं तो यही था, क्यों नहीं थे भाई? अच्छा आप ये कहो ना कि आप दूसरे सेक्शन में होंगे, ये हो सकता है, ये कह सकते हो आप। अच्छा ये ही हुआ था, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज मिस हो जाए तो अगले मोड पे कई बार दोबारा मिल भी जाती है। सो ये आपका लिक्विड है और आपने
आपका ये पिस्टन नंबर वन, ये पिस्टन नंबर टू, पिस्टन नंबर थ्री, एंड डियर चिल्ड्रन दिस इज पिस्टन नंबर फोर। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि आप अगर लिक्विड जो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है इस पे कोई प्रेशर अप्लाई करो किसी भी एंड पर, तो वो इक्वली सारी डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हो जाता है। आपने क्या दिया, आपने इस एंड पर पी के बराबर का प्रेशर अप्लाई कर दिया इस सिस्टम पे, बाकियों को आपने छेड़ा नहीं है, टच नहीं किया, बाकी लगे हुए हैं पिस्टन, वर्किंग है, ठीक है, बिल्कुल इंटैक्ट है, रेडी टू वर्क है, लेकिन आपने उनको कुछ नहीं किया, आपने इसको थोड़ा सा दबा दिया। दबाओगे तो प्रेशर लगाओगे बच्चों, क्यों वैभव, लगाएंगे प्रेशर, तो वो प्रेशर हमने पी बोल दिया। और डियर चिल्ड्रन अगर आप देखो तो ये थोड़ा छोटे साइज का पिस्टन है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये ए वन कह दूं, छोटा सा एरिया है, इसका ए टू कह दूं थोड़ा बड़ा हो गया, इसका ए थ्री कह दूं थोड़ा और बड़ा हो गया, एंड लेट इट बी ए फोर, ऐसा ही है। अब बच्चों देखो, आपने पी प्रेशर तो अप्लाई किया यहां पे, ये आपका प्रेशर जो है ये इस तरफ आपने जब अप्लाई किया तो इतना ही प्रेशर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, यही बात आप पास्कल्स लॉ में कहते हैं ना बेटा। तो प्रेशर आपका पी है तो पी इन पे लग जाएगा। मैं पिस्टन नंबर वन की अगर बात करूं, पहले पिस्टन पे आपका प्रेशर बच्चों F1 upon A1 के बराबर था, पिस्टन नंबर टू पे अब प्रेशर तो बदलना नहीं है, इट विल बी इक्वल टू बेटा F2 upon A2 डियर चिल्ड्रन, और पिस्टन नंबर थ्री पे इट विल बी F3 upon A3, एंड पिस्टन नंबर फोर पर इट विल बी F4 upon A4, राइट। इनको छोड़ देते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, प्रेशर तो सेम ही है। आप इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अगर, तो वी विल गेट F4 upon A4, इट इज F1 upon A1। पहले बताइए कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, तो अगर आपने कंपेयर कर सकते हैं तो कर दिया। और आपके पास F4, देखिएगा F1 into A4 by A1 आया, बच्चों देख के बताइएगा, A4 आपको A1 के कंपैरेटिवली बड़ा लग रहा है ना, वो तो है ही है, इट मींस कि ये रेशो मोर देन वन है। जब आप इसको F1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डियर चिल्ड्रन F4 जो है इट विल बी मोर देन F1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ इस एनालिसिस का, आपने छोटी सी फोर्स अप्लाई की इस सिस्टम पे, इस सिस्टम पे F1 फोर्स आपने अप्लाई की, और बदले में आपको यहां पर एक बड़ी फोर्स F4 की फॉर्म में मिल रही है। और ये आपका जो छोटा सा एक्टिविटी है ये बेटे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यही प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस आपका जो है इसके साथ आप बहुत हैवी हैवी लोड्स उठा सकते हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स तो आप समझते ही हैं, आप कोई व्हीकल चला रहे हो, आपने अपने फुट ब्रेक पेडल को फुट से दबा दिया हल्का सा, तो आपका व्हीकल कितनी भी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पोजेस कर रहा हो रुक जाता है ना बेटा। और ऐसे ही एक प्रेस होता है, उसको ब्रह्मास प्रेस भी कह देते हैं कई बार, दैट इज टू कंप्रेस द मटेरियल्स विच आर अदरवाइज ऑक्यूपाइंग लार्ज वॉल्यूम्स बेटा। सो ये हमारे पास बेटे कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं बेटे। सो बाकी फिर बेटे कल कर लें काम। थैंक यू ऑल बेटा।